आज देश सबसे कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है। भाजपा अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का अधिकार को तोड़ रही है। भयंकर रोजगारी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई से जनता के घर के बजट बिगड़ गया है। नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे कारोबार एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। फसल की कीमत न देकर किसानों की आमदनी को खत्म कर दिया है। नफरत के माहौल में देश के सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है। पचहत्तर वर्ष में आज देश सबसे कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है। सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता के अधिकारों और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हमारा नारा होगा। और देश को आज सेवा, संघर्ष और बलिदान की जरूरत है, क्योंकि भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आज भाजपा अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का अधिकार को तोड़ रही है। भयंकर रोजगारी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई से जनता के घर के बजट बिगड़ गया है। नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे कारोबार एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। फसल की कीमत न देकर किसानों की आमदनी को खत्म कर दिया है। नफरत के माहौल में देश के सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है। और यही नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे एजेंसीज को चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, इस प्लेनरी सेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने छापा मारा, रेड किया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला करके इसको यशस्वी बनाया। ये है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत। हमारा लक्ष्य ये है कि एमएसएमई के जरिए करोड़ों नए रोजगार पैदा करें। हमारा लक्ष्य ये है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए, और चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, खाने का तेल हो, आटा दाल चावल हो, या हर रोजमर्रा की चीजों मुनासिब दामों में दिलवाकर हम रहेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि गरीब और अमीर के बीच जो खाई का काम चल रहा है, मजबूर और पास हमारे मजदूर के पास काम नहीं, गरीबों को सम्मान हो, सामाजिक न्याय सरकार का धर्म हो और रोटी रोजी का मौका सबको मिल पाए। हमारा लक्ष्य है कि देश के
अन्नदाता किसान को न केवल फसल की कीमत मिले बल्कि देश का पेट पालने वाले को कभी भूखे पेट न सोना पड़े। हमारा लक्ष्य है कि नफरत का माहौल खत्म करना और देश के हर गली कूचे में मोहब्बत की दुकानें खोली जाएंगी जहां नफरत का बाजार है। गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक सर उठाकर जिंदगी जिए और उन्हें बराबरी के मौके पर मिल पाए। हमारा लक्ष्य है कि देश के संविधान संस्था में बैठे लोगों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करें, लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करें और बगैर रोक ठोक के अपना कर्तव्य निभाए। हमारा लक्ष्य है कि देश की सरकारें जनता की वोट से चुनी और बदली जाए, न कि नोटों की बोरियों से या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के धमकी से सरकार न बदले। यह हमारे भविष्य का रोड मैप है। जनता और सरकार के बीच भागीदारी और साझेदारी का नया रास्ता हम खोलेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं, देश के लिए एक साथ, देश के लिए हर एक हाथ, हाथ से हाथ जोड़ो, आओ भारत जोड़ो। दूसरी बात, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज के करीब 100 साल पहले 1924 में मेरे गृह राज्य कर्नाटक में बेलगांव महाधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने आजादी के लिए गांव देहात से लेकर किसानों और मजदूरों को कांग्रेस के झंडे तले खड़ा किया, नई दिशा दी। बेलगाम में कांग्रेस का स्वरूप बदला और कांग्रेस संविधान में भी बड़ा बदलाव हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस को भारत के किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचितों से जोड़ा। कांग्रेस की वर्किंग डिसेंट्रलाइजेशन हुई और कई काम हुए। यहीं से कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में जनता के सामने आई और पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। बेलगाम में ही पहली बार कांग्रेस ने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को अपने एजेंडा में आधिकारिक रूप से शामिल किया। ये विचार आगे चलकर भी वंचित वर्गों के लिए समान अधिकारों के संवैधानिक गारंटी का आधार बना। इसीलिए मैं याद कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी का, क्योंकि एक ही बार वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, वो भी कर्नाटक से बने और वहां छुआछूत की एक रेजोल्यूशन पास करके सारे देश में उसका प्रचार करने का उन्होंने काम किया। इसीलिए उनको मैं इस वक्त याद करता हूँ।